हाय गाइस, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हो। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि आज के दिन ही हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, इसलिए हमारे लिए आज का दिन बहुत ख़ास है। आज बच्चे सब घर पर ही है, बच्चों का स्कूल का छुट्टी है, इसलिए सोचा बच्चों के लिए आज कुछ स्पेशल बनाते हैं। ज़्यादातर बच्चे तो स्कूल में ही रहता है, एक ही दिन संडे के दिन को ही छुट्टी मिलता है बच्चों को, और संडे के दिन भी हज़ारों काम होता है, इसलिए सोचा आज बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बनाते हैं। तो चलिए हमारे साथ हमारे किचन पे आइए, हमारा किचन आप सबको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा छोटा सा किचन है, ये गैस पे दो बड़ा बड़ा छत्तल में खाना है, चावल है, और इसमें कुकर में गोश्त है। आज हम बना रहे हैं बिरयानी। तो आप सोच रहे होंगे इतना सारा चावल, क्योंकि हमारे हस्बैंड का काम का भी आदमी है, उन सबको दावत किए हैं, वो सब हमारे घर पे खाने के लिए आएंगे, इसलिए ज़्यादा ही बिरयानी पका रहे हैं हम। बिरयानी का रेसिपी तो हम इस ब्लॉग में नहीं डाले हैं, दूसरा ब्लॉग में ज़रूर डालेंगे, आप सब ज़रूर देखना। तो आज हम घर से निकल पड़े हैं, ये देखिए ये है हमारा गली आप सबको दिखाने के लिए, क्योंकि आज ईद मिलादुन्नबी था। ये हमारा गली का रौनक देखिए, शाम के टाइम को बहुत ज़्यादा भीड़ था, इसलिए मैं शाम के टाइम को नहीं निकली हूँ, तो रात को 9 बजे को निकली हूँ, इसलिए भीड़ थोड़ा कम है, क्योंकि शूट करने में भी आसान होते हैं, इसलिए हम थोड़ा लेट ही निकले हैं आप सबको दिखाने के लिए। ये है हमारा गली। तो देखिए यहाँ का नज़ारा कितना अच्छा दिख रहा था, एकदम आज का दिन का मतलब एक अलग सा खुशी है, एक अलग सा ये मिल रहा था, खुशी मिल रहा था। ये देखिए मेरा छोटा लड़का, हम आगे चलते चलते जा रहे हैं, पीछे है हमारे बेटी जो वीडियो शूट कर रही है, और हम पूरा रोड घूम के आ चुके हैं हमारे घर के तरफ। तो देखिए ये पीछे जैसे स्नोफॉल के जैसा दिख रहा है ये बिल्डिंग। तो यहाँ का सजावट तो बहुत ही अच्छा था, तो आप सबके लिए हम वीडियो शूट करें बाहर आए। अगर आप सबको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आप सबको सपोर्ट चाहिए। आप सबका सपोर्ट के बिना हम तो कुछ भी नहीं है, प्लीज़ आप सब मुझे सपोर्ट कीजिए, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वीडियो देखने के लिए, हमें थोड़ा टाइम देने के लिए। तो थैंक यू सो मच।